हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये मैंने प्लांट पहले दिखाया हुआ है आपको, टाइप्स ऑफ पाम में। ये डेट पाम है और कितना ब्यूटीफुल लगता है। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर छोटे कंटेनर में लगाया हुआ है, ज़्यादा डीप नहीं है ये, मगर ये ब्रॉड काफ़ी है, यहाँ से लेकर वहाँ तक ब्रॉड है। और इसको देखिए, मैंने लोकेशन कहाँ रखी हुई है, एकदम छाए में। तो आज इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगी और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसकी पूरी केयर टिप्स बताऊंगी, कैसे आप ये पाम को घर के अंदर कितनी ब्यूटीफुली रख सकते। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले इसकी लोकेशन से ही शुरू करते हैं। देखिए, इसकी लोकेशन मैंने गर्मियों में एकदम ही इसको बैकयार्ड में दबा के रखा हुआ है। तो ज्यादातर पाम्स को आपको बहुत सारी शेड देनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होता है। इसकी टिप्स दिखाती हूँ मैं आपको, कहाँ दिखाऊँ, ये देखिए, एक छोटी सी टिप दिखा रही हूँ, ये बर्न हो गई, और दिखाती हूँ, ये देखिए ये भी बर्न हो गई। इतनी छाया देने के बावजूद भी ये देखिए पूरा ग्रीन है, मगर ये टिप्स देखिए अभी भी थोड़ी सी ड्राई है। तो इसको सबसे बड़ी चीज है इसकी लोकेशन। अगर आपने इसको राइट जगह लोकेशन दे दी इसको शेड में, तो ये बहुत अच्छे से स्प्रिंग के बाद बहुत इसकी ग्रोथ पीरियड शुरू हो जाती है। और ये प्रोपोगेट देखिए कितने सारे हो गए, क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड है ये। तो ये इसकी लोकेशन होनी चाहिए, सबसे जरूरी शेड, इनडायरेक्ट लाइट। डायरेक्ट लाइट में तो एकदम ही लीव्स खराब हो जाती है, ग्रीन कलर ही लूज कर जाता है ये, जिस चीज के लिए ये इतना ब्यूटीफुल लगता है। अब नेक्स्ट लेते हैं इसकी वाटरिंग। इसकी सॉयल एकदम ड्राई नहीं छोड़नी चाहिए, जैसी थोड़ी बहुत ड्राई होने लगती है तो इसमें पानी डाल देती हूँ मैं। देखिए, ये कई चीजें होती हैं जो कहीं और लोकेशन में मिलती हैं, मगर ये पौधा इस एनवायरमेंट में वो एडजस्ट हो गया है। तो ये अब पानी रेगुलर मॉइस्चर मांगता है, डेट पाम। तो इसको अगर ग्रीन रखना है, फ्रेश रखना है, तो इसको थोड़ा पानी रेगुलरली देना पड़ेगा। मगर अगर स्टैंडिंग वाटर में रह जाता है तो ये गलता भी बहुत जल्दी है। नेक्स्ट इसका लेते हैं हम लोग कि इसको फर्टिलाइजर कैसा चाहिए। देखिए, ये बहुत हाई फीडर नहीं होता है, इसको हल्का सा आप फर्टिलाइज कर सकते हैं वन सा मंथ, समर के फेब में तो अच्छे से करेंगे ही। वर्मी कंपोस्ट डालिए, गोबर की खाद डालिए, कुछ भी, मगर मार्च अप्रैल जैसे अभी ग्रोइंग सीजन है तो कुछ हल्का फुल्का इसमें डाल सकते हैं, जैसे सी वीड के ग्रेन्यूल्स डाल दिए, या कभी थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइजर वर्मी कंपोस्ट का डाल दिया एकदम डाइल्यूटेड। गर्मियों में ये थंब रूल है कि कोई भी फर्टिलाइजर आप डालें पानी के साथ मिला के डालिए, और इवनिंग टाइम में डालिए। इवनिंग टाइम में रीजन बताती हूँ क्या है, अगर आप इवनिंग में डालते हैं तो इसको पूरी रात और नेक्स्ट डे हाफ मॉर्निंग मिलता है कूल टेम्परेचर्स का, तो ये उसका एडवांटेज उठा लेता है। और गर्म अगर कोई खाद हुई भी तो इसको इतना नुकसान नहीं पहुँचता। वैसे आप जब भी कोई फर्टिलाइजर डालें रूट से थोड़ा दूर, जो गमला है उसके रिम में, जैसे ये रेक्टेंगुलर है तो इसके रिम में, देखिए यहां से कहां से, ये देखिए इसके रिम के पास से यहां पर डालिए। वो पानी जब डालेंगे वो मिक्स हो जाता है, सॉल्युबल होता है, तो सब जगह अपने आप ही चला जाता है। तो ये इसका फर्टिलाइजर के बारे में हो गया। इन्फेस्टेशन देखिए इसमें बहुत ज्यादा होता नहीं है, तो फिर भी है लीव्स के नीचे चेक करते रहा करिए कि कोई स्पाइडर माइट्स या मिली बग्स कोई अटैक तो नहीं है। देखिए, इंसेक्ट्स भी काफी क्लेवर होते हैं, वो ऊपर रहने के बजाय प्रेफर करते हैं नीचे अपना वो बनाए, बसेरा बनाए, क्योंकि नीचे वो ढके रहते हैं, दे आर प्रोटेक्टेड, और हम लोगों को पता ही नहीं लगता। कई बार क्या होता है, लीव्स थोड़ी रिंकल होने लग जाती हैं, तब हम लोग देखते हैं अरे ये क्या रीजन है, देखते हैं तो फिर उसमें कभी स्पाइडर माइट्स होती हैं, कभी पाउडरी मिल्ड्यू हो जाता है, कभी उसमें मिली बग्स का अटैक हो जाता है। तो
लीव्स अगर थोड़ी भी आपको फर्क लगे तो फटाफट आप उसकी बैक साइड में चेक करा करिए, और कोई भी आपको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालना है तो आप इसके नीचे जरूर डालिए। वैसे इसमें मेरे में पौधे में कभी भी इन्फेस्टेशन की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इसकी पॉटिंग सॉयल मैंने ली थी, चार भाग में लिया था, वन पार्ट गार्डन सॉयल, वन पार्ट सैंड, वन पार्ट वर्मी कंपोस्ट, वन पार्ट कोकोपीट, और इसके अलावा आप जो डालते रहते हैं वो सब डालते रहिए, जो भी लिक्विड खाद कभी कभी डालना चाहते हैं। और ये इसकी इसके वेल ड्रेन रहती है तो ये एडवांटेज रहता है, पानी खड़ा नहीं रहेगा। अच्छा, इसका प्रोपोगेशन होता है बाय डिवीजन, कितने छोटे छोटे देखिए प्लांटलेट्स निकल रहे हैं इसमें, और ये भी मैंने भी ये एक निकाल के इसमें लगाया हुआ है, ये मैं बहुत प्यार करती रहती हूँ ऐसे निकाल निकाल के जब जिसका ग्रोइंग सीजन होता है। तो ये अब एक चीज और दिखा देती हूँ आपको, इसमें पास आ गए हैं हम लोग, तो ये देखिए इसकी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये इजीली मल्टीप्लाई होता रहता है। मैंने इसके अलावा भी इसको कई जगह लगाया हुआ है कि अगर बाय चांस ये पेरिश कर जाता है किसी कारण से तो मेरे पास कई पौधे होने चाहिए। तो मेरे बैकयार्ड में जो ज़मीन पे मैं बहुत लगा के रखती हूँ, आइए दिखाते हैं, दिखाती हूँ मैं कि क्या क्या मैंने कहाँ लगा रखा है। यही वाला डेट पाम देखिए अंदर, ये एकदम छाए में ग्रो कर रहा है। आई होप इतना ब्यूटिफुल पाम एक तरह का आपको ये अच्छा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।